हेलो दोस्तों, राधे राधे। और आज देखिए, हमने इवनिंग स्नैक्स में बनाए हैं साबूदानी के अप्पे और उसके साथ टमाटर की चटपटी चटनी। ये देखिए हमारे जो अप्पे हैं वो एकदम क्रिस्पी करारे बने हुए हैं और एकदम ऑयल फ्री हैं और अंदर से भी अच्छे से सिक चुके हैं। और टमाटर की चटनी के साथ ये देखिए बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं और ये बहुत जल्दी ही बनके तैयार हो जाते हैं, 5 से 10 मिनट में। इसके लिए हमने एक कटोरी मूंगफली ली है जो पहले से भिगी हुई थी और उसका एक पाउडर तैयार कर लिया। अब इस पाउडर को हम एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे और इसी में मिलाएंगे हम 1 से 2 बड़े चम्मच साबुदाने। मूंगफली का पाउडर में डालेंगे थोड़ा सा 2 से 3 बड़ी हरी मिर्च और 1 चम्मच नमक और 2 से 3 बड़े उबले हुए आलू। ये देखिए बड़े साइज के 2 आलू हैं और इसको सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक अच्छा सा डो तैयार कर लेते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है जिससे आलू और मूँगफली दाना अच्छे से मिक्स हो जाए। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके साथ हम जो चटनी बनाएंगे हरी मिर्च, उसके लिए हमने लिए 2 से 3 बड़ी हरी मिर्च, नमक, 2 टमाटर और हरा धनिया। और एक साइड हमने अप्पे का सांचा गर्म होने के लिए रख दिया है। हल्का सा इसमें ऑयल लगाएंगे। जो हम साबूदाने के बड़े बनाते हैं वो एकदम डीप फ्राई होते हैं तो उसमें बहुत तेल आ जाता है। ये एकदम कम तेल में क्रिस्पी और करारे अप्पे सिक्के तैयार हो जाएंगे, या साबूदाना बॉल्स भी बोल सकते हैं आप। ये देखिए इस तरह से छोटी छोटी बॉल्स बनाकर हल्का सा ऑयल लगाकर हम इसमें रख देंगे और इस तरीके से हम सारे में बॉल्स बना कर रखते जाएंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। आँच हमको धीमी नहीं करना है, नहीं तो साबूदाना जो है वो फैल जाएगा। आँच जो है इसमें थोड़ी सी तेज़ ही रखना है और इस तरह से हम इसको कवर कर देंगे। ये देखिए हमारे सारे बॉल्स इसमें आ चुके हैं और धीरे धीरे हम इनको पलटते जाएंगे और ये हमारे क्रिस्पी करारे बॉल्स या अप्पे बन के तैयार हैं। ये देखिए कितने सुनहरे भुजे हैं और लगने में भी कितने अच्छे दिख रहे हैं। तो आप भी फलार में या इवनिंग के स्नैक्स के रूप में इंजॉय कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। राधे राधे।